एक अहम खबर, मांडर से कांग्रेस प्रत्याशी कल नामांकन करेंगी। बेहद खास, बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। मांडर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन कल होने वाला है। बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की है कांग्रेस की उम्मीदवार। नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, नेता विधायक दल आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम नेताओं की मौजूदगी, राजभवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। मांडर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन कल है। बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में प्रत्याशी बनी है। नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और कई नेता इसमें शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, नेता विधायक दल आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम नेताओं की मौजूदगी और राजभवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। मांडर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन कल है। बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, और ऐसे में क्या कुछ समीकरण यहां बनते हैं और आगे कैसी स्थिति देखने को मिली है, ये भी जल्द ही सामने आएगा। सहयोगी विपिन कार्य करते हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विपिन, कल बंधु तिर्की की बेटी नेहा तिर्की नामांकन करने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी? 6 जून तक मांडर विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें नामांकन किया जाना है। 23 जून को मतदान होना है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने शिल्पी नेहा तिर्की को मांडर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो पूर्व मंत्री और जो वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, बंधु तिर्की उनकी पुत्री है, और कल वो 1 बजे अपना नामांकन दाखिल करेगी। और इनके नामांकन दाखिल करने के दौरान, क्योंकि ये गठबंधन की उम्मीदवार भी है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावा कांग्रेस कोटे के जो अन्य मंत्री हैं, कांग्रेस के जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे। उससे पहले सभी लोगों को वहां पर बुलाया, राजभवन के समक्ष बुलाया गया है, और वहां के बाद यहां पर आकर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 1 बजे पूरी की जाएगी। विपिन, ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम समीकरण की बात करें, मौजूदा हालात की बात करें, तो कैसी उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की देखी जा रही है और मुकाबला कैसा देखने को मिल सकता है? शिल्पी तिर्की जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके प्रोफाइल पे हम जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो स्कूलिंग उनकी जो है वो सेक्रेट हार्ट स्कूल हुलुंडू में जो है वहां पर हुई है। 1992 का इनका जन्म है, 16 अगस्त 1992। इसके अलावा जो उनके अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेंगलोर से, इन्होंने बेंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया है। इसके अलावा डिप्लोमा इन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से इन्होंने किया। जहां तक समीकरण की बात करें तो बंधु तिर्की 3 बार मांडर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक व्यापक जनाधार है बंधु तिर्की का उस क्षेत्र में, और जिन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो समीकरण का हिस्सा होगा कि किस तरह से यहाँ पर उपचुनाव की नौबत आई और कैसे यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उताया। हालांकि पिछली बार जब 2019 में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे तो झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर बंधु तिर्की ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो अब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, और जो सबसे बड़ा फैक्टर कि क्या कुल निर्दलीय के तौर पर कोई बड़ा आदिवासी चेहरा आएगा, वो भी देखने वाली बात है। कांग्रेस ने पिछली बार जिस व्यक्ति को चुनाव में उतारा था उन लोगों ने खिलाफत भी शुरू कर दी है। आज प्रभारी के समक्ष उन्होंने शिकायत भी की है कि जो व्यक्ति कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुआ उसे पार्टी अपना उम्मीदवार कैसे बना सकती है। तो तमाम चीजों के भी बावजूद हम ये कह सकते हैं कि बंधु तिर्की का थाना क्षेत्र रहा है, इसलिए मुकाबला रोमांचक जो जरूर नजर आएगा। जाहिर तौर पर विपिन, कहीं ना कहीं मजबूत उम्मीदवार नजर आ रही है और ऐसे में बेहतर मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे, नामांकन के वक्त कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और कई नेता यहां मौजूद रहेंगे। मांडल उपचुनाव भी अभी मैंने देखा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से मांडल उपचुनाव में तिर्की जी का, नेहा नाम, शिल्पी नेहा तिर्की जी का चयन किया गया है। और कल जैसा पीसीसी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, संभवतः
कल साथ में ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।